हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दी सेंस के बारे में। सेना बोल सकते हो आप इनको, यानी कि एक तरीके से ये सेन का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी की मिलिट्री में या मिलिट्री के मेंबर रहे होंगे। ठीक है, तो द सेनाज हम पढ़ेंगे जिनका टाइम पीरियड था 11th से लेकर 12th सेंचुरी तक। मैंने अब तक आपको ये पूरा कम्प्लीट करवा दिया है। ठीक है, पल्लवाज, चोलाज और ये सब राष्ट्रकूटाज, पालाज, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल और फेमस ट्रैवलर्स हर्षवर्धन और एंड ऑफ एरा गुप्ता एरा का, ये सब कंप्लीट हो चुका है। राजपूत के बारे में हम सब कुछ कंफर्म पढ़ चुके हैं। कुछ और अलग से होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी राजपूत के ऊपर, लेकिन अगर सिर्फ आप मिडिवल हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सिर्फ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में ही, उनकी फ़ाइट्स और बैटल्स के बारे में ही आता है, या फिर उनका लाइफ, सोसाइटी और कल्चर कैसा था और वुमेंस की उस टाइम पर क्या कंडीशन थी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हम कम्प्लीट कर चुके हैं। इसमें एक मिस रह गया था जो कि सेन था, सेन डायनेस्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये तीन चल रहे थे तो कहीं ना कहीं ये भी उस टाइम पे था, लेकिन जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल है उसका पार्ट जो है सेन डायनेस्टी नहीं थी। तो आज हम पढ़ेंगे सेन के बारे में। इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लाइन वाइज जब आप पढ़ोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, सेन एम्पायर के बारे में हम पढ़े तो ये एक हिंदू डायनेस्टी थी, यानी कि इनका हिंदुइज्म में बिलीव था, जो कि बंगाल से रूल करती थी उस टाइम पे 11th से लेके 12th सेंचुरी तक। सेन डायनेस्टी रूल्ड द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि हमारा इंडिया अगर नीचे से ऐसा है तो इस एरिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे इन्होंने क्या कहते हैं रूलिंग किया है। ये तो साउथ हो गया ना, इस एरिया को मान सकते हो आप, जो कि बंगाल वाला एरिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रूल किया है सेन डायनेस्टी ने। तो अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो आप बंगाल याद रख सकते हो, क्योंकि बंगाल उस टाइम काफ़ी बड़ा था, जिसमें कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मिली हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा एक बंगाल एरिया ही माना जाता था उस टाइम पे। द सेन रूलर वर डिवोट टू हिंदूज़, तो ये हिंदूज़ डिवोटी थे, यानी कि हिंदुज़म में बिलीव था इनका, एज अपोज टू द पालाज जो कि बुद्धिस्ट थे। पाल डायनेस्टी का मैंने करवाया था कि जो पाल रूलर्स थे वो बुद्धिज़्म में ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन जो सेन रूलर्स थे सेन डायनेस्टी में हिंदुज़म में ज़्यादा बिलीव था। ठीक है, दे ओरिजिनेटेड इन द साउथ इंडियन रीजन, तो ये ओरिजिनेट जो है इनका, जो ओरिजिन हुआ था, उद्गम ये मान सकते हैं जहाँ से इनका शुरुआत हुई थी, वो साउथ इंडिया के रीजन कर्नाटक से हुई थी, अकॉर्डिंग टू दियोपारा इंस्क्रिप्शन। तो ये पहला इंस्क्रिप्शन का यहाँ पर डिटेल आई है हमारे पास। दियोपारा इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें ये बताता है कि जो सेन डायनेस्टी है इनका जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग जो है इनकी, साउथ इंडिया से शुरू हुई थी, कर्नाटक के रीजन से। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन मेंशन सामंत सेन, जो कि सामंत सेन जो है ये वन ऑफ द फाउंडर माने जाते हैं सेन डायनेस्टी के, लेकिन साउथ में। ठीक है, साउदर्न फाउंडर माना जाता है इनको। तो ओवरऑल भी फाउंडर अगर आप देखा जाए तो वैसे सामंत सेन है, लेकिन जो विजय सेन है उनको माना जाता है कि वो एम्पायर के आगे बढ़ाने में उनका कर्तव्य है, तो कहीं ना कहीं इनको भी फाउंडर मानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साउथर्न फाउंडर पूछा जाए कि साउथ के फाउंडर कौन थे सेन डायनेस्टी में, तो वो थे सामंत सेन। ठीक है, हुज सक्सेसर वर हेमंत सेन, तो इनके सामंत सेन के सक्सेसर थे, यानी कि सामंत सेन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए थे वो हेमंत सेन थे। द फर्स्ट ऑफ द फैमिली टू बी गिवन रॉयल एपिथ इन द फैमिली रिकॉर्ड, तो ये पहली फैमिली थी जिनको रॉयल पेट्रोनेज मिला। एंड हु सीज्ड पावर, जिन्होंने जो पावर सीज कर लिया, यानी कि छीन ली किसकी, पालाज से, इन्होंने अपने आप को, मतलब पालाज को इन्होंने कभी हराया होगा। ठीक है, एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ किंग इन अराउंड 1095 में। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामंत सेन और हेमंत सेन जो हैं ये एक ही फैमिली से थे, और ये पहली फैमिली थी जो सेन डायनेस्टी को ऊपर लेकर आती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अपनी जो पावर है वो पालाज, मतलब उस पालाज के टाइम पे क्या होता था कि अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे, तो उन्हीं किंगडम्स में सेम डायनेस्टी भी थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपनी खुद की जो किंग और किंगडम इन्होंने अपना खुद का चलाया था उस टाइम पे। अब इनके सक्सेसर्स की बात करते हैं कि हेमंत सेन के सक्सेसर कौन थे, यानी कि सक्सेसर का मतलब होता है कि इनके बाद कौन राजा बने। ठीक है, तो इनके जो सक्सेसर थे हेमंत सेन के, वो विजय सेन थे, जो कि अभी विजय सेन के बारे में स्टेटमेंट है, विजय सेन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द ग्राउंड वर्क ऑफ दिस डायनेस्टी, मतलब विजय सेन के बाद इस डायनेस्टी ने ग्रोथ करी थी और इनका जो एरिया है वो एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। वैसे फाउंडर सामंत सेन ही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक किया गया कि साउदर्न फाउंडर कौन है तो सामंत सेन है, लेकिन ओवरऑल डायनेस्टी का जिनके टाइम पे ग्रोथ हुई तो वो उसको फाउंडर हम किसको मानते हैं, विजय सेन को। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे पॉइंट देके, तो आप ध्यान रखना, ये यहाँ पे अंडरलाइन होना था, सॉरी।
हेमंत सेन की हम बात करें तो हेमंत सेन द फाउंडर, अभी मैं स्टोरी बताऊंगी 4-5 स्लाइड में, उसके बाद हम रूलर वाइज यानी कि जो किंग बने हैं, किंग के बाद कौन सा किंग बना उस हिसाब से पढ़ेंगे, तो पहले स्टोरी समझ लेते हैं। हेमंत सेन जो है ये फाउंडर थे डायनेस्टी के, वॉज द पार्ट ऑफ पाला डायनेस्टी अंटिल इट स्टार्टेड टू डेबिलिएटेड। हेमंत सेन अस्पर्ड पावर एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ रूलर इन 1095 में। मतलब हेमंत सेन को भी फाउंडर माना जाता है, कहीं सामंत सेन को भी बोलते हैं कि ये फाउंडर हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है इनकी ग्रोथ हो रही थी एक ही फैमिली से, तो इन दोनों का नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनके जो सक्सेसर थे हेमंत सेन के, तो ये थे विजय सेन, और जिन्होंने रूल किया था इस टाइम पीरियड से लेकर तब तक, और हेल्प किया था एस्टैब्लिश करने में एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क एंड हैड अ सरप्राइजिंगली लॉन्ग रूल मोर देन 60 ईयर्स। तो अभी आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट में इतना ध्यान रखना है कि हेमंत सेन जब सामंत सेन के बाद आए तो हेमंत सेन ने भी थोड़ा अपने एक किंगडम को बनाया, मतलब इन्होंने एक कहते हैं ना कि एक जगह बना ली कि अब हम राजा हैं। उसके बाद जो है इनके सक्सेसर आते हैं विजय सेन, तो वो क्या करते हैं, वो आने वाले 60 साल तक रूल करते हैं। तो 60 साल का रूल करने का मतलब है कि ये अपना एरिया और एक्सपेंड कर पाते हैं, इनकी इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि 60 साल बहुत होते हैं ग्रोथ करने के लिए। फिर आए बलाल सेन जो कि वैंक्विश कर देते हैं गौर को फ्रॉम पाला एंड टर्नड इन टू द रूलर ऑफ दी बंगाल डेल्टा। तो कहने का मतलब है कि बलाल सेन जो है बंगाल के एरिया में अपने आप को एज ए रूलर जमा लेते हैं एंड मेड नवाबद्वीप, तो ये नवाबद्वीप को कैपिटल बनाते हैं। तो बंगाल का हमें पता है थोड़ा बहुत एरिया जो है समुद्री इलाकों से टच करता है, तो वहीं पे एक नवाबद्वीप हुआ करता था, या नवाद्वीप आप बोल सकते हो, जिसको इन्होंने कैपिटल बनाया, किसने, बलाल सेन ने। तो बलाल सेन का नाम आपको याद रखना है। तो बलाल सेन जो है वेडिड रामा देवी, तो इन्होंने रामा देवी से शादी करी थी, एक वेस्टर्न प्रिंसेस थी, कौन, चालुक्य एम्पायर की। तो मैंने चालुक्य एम्पायर जब आपको करवाया था तो चालुक्य का मैंने बताया था कि बादामी चालुक्य हैं, ईस्टर्न चालुक्य हैं और वेस्टर्न चालुक्य हैं। तो बलाल सेन ने किससे शादी करी थी, रामा देवी से, जो कि एक वेस्टर्न चालुक्य की प्रिंसेस थी, वहाँ की प्रिंसेस थी ये, एंड विच शोज दैट द सेन रूलर केप्ट अप क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट विद साउथ इंडिया। अब हमें पता है कि जो वेस्टर्न चालुक्यस थे या चालुक्य थे वो साउथ के ज़्यादा थे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेन डायनेस्टी का साउथ से क्लोज रिलेशनशिप था और क्लोज कॉन्टैक्ट था, ठीक है। लक्ष्मण सेन भी एक रूलर हैं, किंग थे सेन डायनेस्टी के, ये सक्सीड करते हैं बलाल सेन को, और ये कब की बात हो रही है, 1179 AD की। ये रूल करते हैं बंगाल में फॉर गिव और टेक 20 ईयर्स, जहाँ पे ये 20 साल तक रूल करते हैं और एक्सटेंड करते हैं सेन एम्पायर को, कहाँ तक, अभी तक जो था बंगाल तक था, लेकिन अब आसाम, उड़ीसा, बिहार उस टाइम पे उसी में था, एंड लाइकली टू वाराणसी, तो कहीं ना कहीं यूपी तक भी इन्होंने अपना एरिया एक्सटेंड कर लिया था, और ईस्टर्न साइड में आसाम में तक, आसाम तक चले गए थे। तो मैक्सिमम ईस्टर्न साइड इनका लक्ष्मण सेन के टाइम पे कहाँ था, अगर हम पूर्वी एरिया की बात करें तो आसाम तक इनका एरिया था। इन 1203 और 1204 AD दी तुर्किक जनरल बख्तियार खिलजी का नाम सबको पता होगा, असोल्टेड नवाद्वीप। तो बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, नवाबद्वीप को असॉल्ट करते हैं, मतलब कि नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लूट मचाते हैं वहाँ पे, और खिलजी डिफीटेड लक्ष्मण सेन। तो खिलजी जो है लक्ष्मण सेन को डिफीट करते हैं, ये बिहार के एग्जाम में आते हैं क्योंकि यहाँ पे बिहार का मेंशन है, उड़ीसा के एग्जाम में आएगा, यहाँ पे आसाम के एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण सेन जो है काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनके टाइम पर ही बख्तियार खिलजी ने नवाद्वीप को नष्ट किया था और इन्होंने लक्ष्मण सेन को हराया था, एंड कॉट, मतलब नॉर्थ वेस्ट बंगाल को अपने अंडर ले लिया था। अल्बाइट ईस्टर्न बंगाल स्टेड अंडर सेन कंट्रोल। तो जो अल्बाइट ईस्टर्न है बंगाल का एरिया, वो अभी भी सेन के कंट्रोल में ही था। अब बात करेंगे हम रूलर्स जो थे सेन के, ठीक है। द पॉलिटिकल पोजिशन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द पाल रूलर इन बंगाल वॉज टेकन बाय द सेन। तो ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल पोजिशन थी जब पाल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद पाल एम्पायर भी कहीं ना कहीं बंगाल में थे, मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ जब पाल एम्पायर का पॉलिटिकल डिक्लाइन हुआ, पोजिशन इनकी कम होने लगी, इनका जो एक ऑरा था वो कम होता चला गया, तो उसके बाद वहाँ पर सेन डायनेस्टी आ गई थी जिनके किंग थे विजय सेन, ठीक है। तो इन्होंने सक्सीड किया एंड कॉन्कर किया द एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द पाल रीजन। तो पाल रीजन जब पाल डायनेस्टी जब बंगाल में रूल करती थी, इनकी डिक्लाइन के बाद कौन से राजा जो है वहाँ पे अपना अटैक करके उसको अपने अंडर लेते हैं, तो विजय सेन होते हैं सेन डायनेस्टी के, ठीक है। तो वो पूरा जो एरिया होता है पाल डायनेस्टी का वो अपने अंदर ले लेते हैं बंगाल का। द सेन वर द सपोर्टर ऑफ कन्वेंशनल हिंदुइज्म, तो ये हिंदुइज्म के सपोर्ट करते हैं। द डायनेस्टी फॉलोज इट्स ओरिजन
टुवर्ड्स साउथ। तो ये डायनेस्टी है अपना ओरिजिन बताती है कि ये साउथ से हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर ऑफ साउदर्न इंडिया। जो स्टोरी मैंने आपको पीछे बताई कि ये वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर की जो प्रिंसेस होती है ये उनसे शादी करते हैं। देर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न चालुक्य अटैक एमिड द रूल ऑफ सोमेश्वर फर्स्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड है वेस्टर्न चालुक्य अटैक का इन द रूल ऑफ सोमेश्वर फर्स्ट, कि जो वेस्टर्न चालुक्य हैं ये अटैक करते हैं किसके टाइम पे, सोमेश्वर फर्स्ट के टाइम पे, ड्रूव बाय हिज सन विक्रमादित्य सिक्स हु डिफीटेड द रूलर्स ऑफ गोरा और करमपुरा। तो ये बता रहा है कि ऐसा कहीं रिकॉर्ड है कि जो वेस्टर्न चालुक्य हैं ये अटैक करते हैं किसके टाइम पे, सोमेश्वर फर्स्ट के टाइम पे, जो कि विक्रमादित्य हु डिफीटेड द रूलर्स ऑफ, तो विक्रमादित्य जो है ये हराते हैं किसको, गौड़ा और करमपुरा को, कमापुरूपा को, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इंस्ट्रूजन ऑफ द कन्नड़ रूलर ब्रॉट असेंबलेज ऑफ हिज कंपेरिटियस फ्रॉम कर्नाटक इनटू बंगाल विच क्लैरिफाइज द ओरिजिन ऑफ सेंट डायनेस्टी। तो एक इंस्ट्रूजन है कन्नड़ रूलर बताते हैं कि वो, मतलब आपको एक तरीके से ये पता चलता है यहाँ से हमें कि काफ़ी सारी सोर्सेज हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि जो ओरिजिन बताती हैं सेंट डायनेस्टी का कि कर्नाटक से, मतलब कन्नड़ में भी काफ़ी लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में भी काफ़ी सोर्सेज होंगे जो लिखे गए हैं कि जो सेंट डायनेस्टी है, जो उनका एमर्जेंस था या उनका जो ओरिजिन हुआ था वो कर्नाटक से हुआ था, और कर्नाटक से वो बंगाल का कैसे इनका रास्ता तय हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी जगह से पता चलती हैं। द फाउंडर ऑफ द सेन रूल वॉज सामंत सेन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो फाउंडर है सेन रूल के, तो सेन डायनेस्टी के, वो सामंत रेन थे, हु डिपेक्टेड हिमसेल्फ एज अ क्षत्रिय ऑफ कर्नाटक। तो ये अपने आप को क्या बताते हैं कि ये कर्नाटक के क्षत्रिय होते हैं, कौन, सामंत सेन। और सेन डायनेस्टी हैड रूल्ड बंगाल फॉर मिनिमल ओवर अ सेंचुरी। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेन डायनेस्टी है इसने कम से कम भी तो एक सेंचुरी तक बंगाल में रूल किया है। The dynasty's development which supplanted the Palas in Bengal towards the end of 11th century. ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ था विच सप्लेंटेड द पालाज इन बंगाल टूवर्ड्स द एंड ऑफ 11th सेंचुरी। जब पाल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, पाल डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद सेन डायनेस्टी को एक अलग ही डेवलपमेंट मिली थी। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं बंगाल में सिर्फ, अभी यहाँ पर सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। Exploiting the rebellion of Samant Chakra in Varendra amid the rule of Mahipal II and Vijay Sen, the founder of the Sen line, मतलब इनको विजय सेन को founder इसलिए बोला जा रहा है कि इनके बाद जो है फिर जो एक empire कहते हैं हम बनता है, तो काफ़ी बड़ा area में इन्होंने, क्योंकि 60 साल तक जब कोई राजा रूल करता है ना, शासन करता है 60 years तक कोई भी किंग रूल करता है, तो आपको पता है कि या तो वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो इतने लंबे समय तक रूल कर पाया, और ऑब्वियस है कि उसने अपना एरिया बढ़ाया होगा, ग्रोथ हुई होगी, और ग्रोथ सिर्फ एरिया की नहीं हुई होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई होगी, सोशल ग्रोथ भी हुई होगी, हर तरीके से पॉलिटिकल ग्रोथ भी हुई होगी। तो ये इसलिए विजय सेन को मेन फाउंडर माना जाता है, लेकिन जो असली फाउंडर थे वो कौन थे, सॉरी, असली फाउंडर थे सामंत सेन। और विजय सेन किसके बेटे थे, तो विजय सेन ने किसके सक्सेसर थे, तो ये हेमंत सेन के सक्सेसर थे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये हमने कर लिया, ठीक है। वन क्रिटिकल पार्ट ऑफ सेन रूल इन बंगाल, मतलब ये कह रहा है कि एक क्रिटिकल पार्ट है सेन रूल के बारे में बंगाल में, इज दैट द एंटायर डोमेन ऑफ बंगाल वॉज ब्रॉट अंडर अ सॉलिटरी रूल। इंटरेस्टिंगली इट इज़ लाइकली डिफिकल्ट टू गिव अनइक्वल डाटा टू द इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट टू हाउ द फैमिली एंटर्ड बंगाल। मतलब ये बोल रहा है कि हमें पता नहीं है, एक प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिससे ये पता चले कि कर्नाटक से साउथ में इनका एमर्ज हुआ है, फिर ये बंगाल में एकदम से कैसे आ गए, तो इसका एग्जैक्ट इनको सोर्स कहीं से डाटा मतलब हमें मिलता नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ अभी भी कंफर्म नहीं है। दी सेन रिकॉर्ड्स एडिशनली आर अमेजिंगली क्वाइट अबाउट दिस, ठीक है। ये नॉर्मल सी स्टोरी है कि मतलब कौन कौन राजा थे इसमें, तो बस मैं ये ओवरऑल एक ऐसी दे दिया है रीड करने के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी में इतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं कुछ बताने के लिए, क्योंकि आगे हम अभी सारे रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। दी सेन रूलर्स, मतलब सेन के जो रूलर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं इन देयर ओन पर्टिकुलरी एनग्रेविंग दैट दे आर ब्रह्म क्षत्रिय। तो यहाँ पे ये बोलते हैं सेन रूलर्स ने खुद ही क्लेम किया है कि वो ब्रह्म क्षत्रिय थे, मतलब क्षत्रिय थे, आपको ये ध्यान रखना है। देयर रिमोट प्रोजेनिटर वॉज वन वीर सेन। तो इनका जो मेन वो थे वो वीर सेन थे, हुज नेम शुड हैव बीन स्पेसिफाइड इन पुराण। तो इतना इंपॉर्टेंट देने वाली बात है नहीं इसमें। दी देवपारा इंस्क्रिप्शन, बस आपको अब तक में ये ध्यान रखना है कि देवपारा इंस्क्रिप्शन हमें सेन डायनेस्टी के बारे में बताती हैं, और क्या कहते हैं ये, ऑफ द सेन लाइकवाइज फॉलोज द सेन फैमिली लाइन फ्रॉम वीर सेन। तो ये बोलने चाह रहा है कि देवपारा इंस्क्रिप्शन से हमें वीर सेन के बारे में पता चलता है,
जो सेन फैमिली की लाइन है, लाइन वाइज जो सेन डायनेस्टी चलती है वो किससे स्टार्ट होती है, वीर सेन से। तो यहाँ पे ये अलग ही चीज़ बता रहे हैं कि वीर सेन से जो है सेन डायनेस्टी स्टार्ट होती है लाइन वाइज, इसके आगे और रूलर्स आते हैं तब उनका नाम आता है। सिंस देयर आर नो बोनाफाइड रिकॉर्ड्स एसेसिबल स्टिल, अ शार्प कंटेंशन विंस अमंग रिसर्चर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ दी सेंट। मतलब और कोई हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि और हमें सेंट रूलर्स के बारे में पता चले। तो एकलौता ये देवपारा इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो वीर सेन है इनसे ही सेंट डायनेस्टी के जो सेंट रूलर्स की जो लाइन है वो शुरू होती है, और इसके बाद बाकी के सेंट रूलर्स आते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब हम आगे देखेंगे द सेन फीचर्स, इनके फीचर्स देख लेते हैं थोड़े बहुत। ड्यूरिंग द 11th से 12th सेंचुरी सेन रूल फ्रॉम बंगाल, हमने ये देख लिया है। द सेन डायनेस्टी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द साउथ इंडियन रीजन ऑफ कर्नाटक, ठीक है। तो साउथ इंडियन रीजन जो है कर्नाटक का, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। विजय सेन डिपोज्ड मदन पाल, मतलब जो विजय सेन रूलर होते हैं जिसको मेन फाउंडर माना जाता है, वो डिपोज करते हैं मदन पाल को जो कि लास्ट रूलर होते हैं पाल डायनेस्टी के। तो मैंने बताया आपको कि बंगाल में जो है पाल डायनेस्टी का रूल था, उनके डिक्लाइन के बाद जो है सेन डायनेस्टी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। तो मदन पाल जो है पाल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे एंड इस्टेब्लिश करते हैं सेन डायनेस्टी। ही वॉज द जेन्युइन फाउंडर ऑफ सेन किंगडम। आपसे ये वर्ड दिया जाएगा कि रियल फाउंडर या जेन्युइन फाउंडर या मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर या फर्स्ट जेन्युइन फाउंडर कौन थे, तो वो विजय सेन थे। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है। हिज सन, तो इनके बेटे थे बलाल सेन, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट करते हैं सोशल रिफॉर्म्स एंड जिसका नाम था कुलिनिज्म इन बंगाल। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बलाल सेन थे जो कि विजय सेन के बेटे थे, ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एक सोशल रिफॉर्म बनाते हैं, ये सोशल रिफॉर्म लेके आते हैं जिसको क्या बोला जाता था, कुलिनिज्म। तो कुलिनिज्म एक टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, ये सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड है जो कि बंगाल में आया था बाय बलाल सेन हु वॉज द सन ऑफ विजय सेन। ये लाइन आपको पूरी याद रखनी है। फिर लक्ष्मण सेन की हम बात करें तो ये सक्सीड करते हैं, लक्ष्मण सेन सक्सीडेड बलाल सेन, बलाल सेन को फिर सक्सीड करते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं उस टाइम पे। दिस डायनेस्टी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ, मतलब इस डायनेस्टी के सबसे बड़े रूलर या ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहे हैं, लक्ष्मण सेन। देखिए जेन्युइन फाउंडर कौन है, विजय सेन, और वैसे फाउंडर कौन है, सामंत सेन। और लक्ष्मण सेन जो है ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं, सबसे बड़े रूलर माने जाते हैं। तो इसलिए ये मत देखना कि विजय सेन ने 60 ईयर्स रूल किया तो ये इसको हम बोल देंगे कि ये ग्रेटेस्ट रूलर है, नहीं। ही बिकेम वीक, ये काफ़ी वीक हो जाते हैं नियर द एंड ऑफ हिज रीजन विद इन हिज किंगडम देयर वर साइंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इनके वीक होने के बाद यानी जब इनकी एज हो जाती है, एज के हिसाब से ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके बाद इनके किंगडम का जो है अंत हो जाता है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो कि डील करते हैं सेन किंगडम के साथ इस फाइनल ब्लो, कब करते हैं, 1204 में। तो ये ध्यान रखना है। तो बख्तियार खिलजी का फर्स्ट पहली बार कहाँ जिक्र हुआ है सेन डायनेस्टी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट रूलर्स की अब हम बात करेंगे लाइन वाइज, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो एग्जाम के उस प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अब जब हम स्टोरी देख रहे थे आपको ज़रूरी है तो इसकी एसएस ले लेना। विजय सेन की बात करें तो 1095 से लेके 1158 सेंचुरी तक इनका टाइम पीरियड है। फाउंडर है विजय सेन सेन डायनेस्टी के, मतलब वही रियल फाउंडर, हु रूल्ड ओवर बंगाल फॉर 60 ईयर्स एंड ब्रॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इट इज़ थॉट दैट ही टुक एडवांटेज, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एडवांटेज लिया था ऑफ द सामंत चक्र रिवोल्ट का इन द वरिंद्र रीजन ड्यूरिंग महिपाल सेकेंड रीजन ग्रेजुअली कंसॉलिडेटेड हिज पोजिशन इन वेस्टर्न बंगाल। तो ये क्या बोल रहा है कि इनको एडवांटेज मिला था सामंत चक्र रिवोल्ट का, जो कि कहाँ पर हुआ था, एक वरिंद्र रीजन में, किसके पास, किसके टाइम पे, महिपाल सेकेंड के रीजन में, ठीक है। तो महिपाल सेकेंड कौन थे ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, तो आपको ध्यान रखना है कि महिपाल सेकंड के रीजन में क्या हुआ था, फाइट हुई थी, एक रिवॉल्ट हुआ था जिसका नाम था सामंत चक्र। तो उससे एडवांटेज किसको मिला था, विजय सेन को, ठीक है, जो कि वेस्टर्न बंगाल में हुआ था। ड्यूरिंग मदन पाल रीजन ही इवेंचुअली बिकेम सेल्फ सफिशियंट। तो मदन पाल रीजन के टाइम पे क्या हुआ था कि सेल्फ सफिशियंट बन गए थे। मदन पाल कौन थे, पाल रूलर के लास्ट रूलर, ठीक है, पाल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे मदन पाल, जिनके टाइम पे जो विजय सेन थे ये सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे और अपने जो डायनेस्टी है इसको एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। ही डिफीटेड भोजवर्मन, तो विजय सेन ने भोजवर्मन को भी डिफीट किया था, यानी कि हराया था और कंट्रोल लिया था ऑफ वंगा। वंगा एक सिटी मान सकते हैं आप, उस टाइम पे थी, तो उस पे भी कंट्रोल किसका हुआ था, भोजवर्मन, सॉरी विजय सेन का। विजय सेन वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैपिटल्स, तो विजय सेन जो है ये दो कैपिटल में डिवाइड किया था इन्होंने अपने आप को, एक था विजयपुरा और विक्रमपुरा। तो
तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। द फेमस पोइट श्री हर्षा रोट विजय प्रशस्ति, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके टाइम पीरियड में जो फेमस पोइट थे, मैंने हमेशा बोला कि पोइट का आपको पता होना चाहिए, तो श्री हर्षा जो हैं ये विजय सेन के कोर्ट में बहुत ही फेमस पोइट थे जिन्होंने लिखी थी विजय प्रशस्ति, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन मेमोरी ऑफ विजय सेन, विजय सेन की मेमोरी में विजय प्रशस्ति लिखी गई थी, तो आपको याद रहेगा विजय सेन के बारे में, ठीक है। तो किसने लिखी थी, उनके कोर्ट पोइट ने ही, श्री हर्षा ने। ऑन द कॉपर प्लेट, तो इन्होंने कॉपर प्लेट पे लिखा था, इन बैरकपुर ही इज रेफर्ड एज, मतलब किसी कॉपर प्लेट पे इनको रेफर किया गया है महाराजा अधिराज का, महाराजा अधिराज, तो किस पे लिखा गया है, विजय सेन के बारे में कॉपर प्लेट पे लिखा गया है महाराजा अधिराज। द सेन किंग्स पर्टिकुलरली विजय सेन, तो ये बात कर रहे हैं जो सेन किंग हुआ करते थे, स्पेशली जो विजय सेन थे, इज लॉडेड इन द दियोपारा प्रशस्ति स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो दियोपारा इंस्क्रिप्शन था उसमें इनको मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूलर आते हैं बलाल सेन, तो बलाल सेन किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंस, तो इनका जो किंगडम था वो 5 प्रोविंसेज में डिवाइड करता था, जो कि जिसके नाम थे बंगा, बरिंद्र, बगरी, पॉसिबली अ पोर्शन ऑफ लोअर बंगाल, ठीक है। सो बगरी जो नाम है ये लोअर बंगाल का जो एरिया था उसको बोलते हैं, मिथिला भी इनके अंडर था और रार करके भी एक एरिया था वो इनके अंडर था, तो ये इनके 5 प्रोविंसेज थे। ही ऑल्सो मेड नवाद्वीप द कैपिटल, तो नवाद्वीप को किसने कैपिटल बनाया था, एग्जैक्ट ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, तो बलाल सेन ने बनाया था जो कि सेन डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। बलाल सेन इज क्रेडिटेड विद रिवाइविंग ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस, तो जो बलाल सेन थे इनको हिंदू माना जाता था, मतलब काफ़ी सारे हिंदू प्रैक्टिसेस ये करते थे बंगाल में, और पर्टिकुलरली विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिएक्शनरी ट्रेडिशन ऑफ कॉलोनिज्म, हिंदू कास्ट एंड मैरिजेस रूल, ये इनका वो था। हिज वाइफ, कॉलोनिज्म के बारे में मैंने बताया है अभी, पहले ही स्लाइड में बताया था, तो अब आप कमेंट में बताएंगे कि इसका मतलब क्या था। हिज वाइफ रामादेवी वॉज द प्रिंसेस ऑफ वेस्टर्न चालुक्य, यानी कि इनकी जो वाइफ थी बलाल सेन की, वो रामादेवी थी जो कि प्रिंसेस थी वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर की, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द टू किंगडम्स, तो इनकी शादी यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या होता है, इन दोनों ही किंगडम्स में एक वो रिलेशनशिप बन जाता है, फ्रेंडली रिलेशंस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अद्भुत सागर और दान सागर आर द टू ऑफ हिज वर्क, किसके, बलाल सेन के जो हैं अद्भुत सागर और दान सागर। आपसे पूछेंगे कि ये अद्भुत सागर और दान सागर जो हैं किसके वर्क्स हैं, तो ये बलाल सेन के वर्क हैं। बलाल सेन कौन हैं, तो ये सेन डायनेस्टी के रूलर्स थे, ठीक है। इनकी शादी किससे हुई थी, रामदेवी से, जो कि एक वेस्टर्न चालुक्य प्रिंसेस थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हिंदू ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे, 5 प्रोविंसेस थे इनके अंदर, ये ध्यान रखना है। और ट्रेडिशन था इनका एक कॉलोनिज्म का, जो कि हिंदू कास्ट और मैरिजेस के रूल्स जिसमें होते थे, तो वो हमें बताता था, ठीक है। तो कॉलोनिज्म का मतलब हिंदू कास्ट के बारे में लिखा हुआ था उसमें काफ़ी कुछ, और मैरिजेस के क्या रूल्स हैं उसके बारे में, और एग्जैक्ट जो मैंने अभी कॉलोनिज्म बताया था उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट में। जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट रूलर थे सेन डायनेस्टी के, वो थे लक्ष्मण सेन, ठीक है। द सेन डायनेस्टी रीच्ड इट्स अपेक्स अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ लक्ष्मण सेन, तो जो एक ग्रोथ हुई थी ना, पीक जो हम बोलते हैं, हाईएस्ट पीक पे कब पहुंचा था सेन डायनेस्टी, तो वो लक्ष्मण सेन के टाइम पे पहुंचा था। इसका जो किंगडम था वो था उड़ीसा का, बिहार, आसाम एंड पॉसिबली वाराणसी, यानी कि अगर हम बोलें कि ईस्टर्न मोस्ट रीजन कौन सा था इनका, तो वो आसाम था, ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट देखें तो वाराणसी जो कि यूपी में है, ये ध्यान रखना है आपको। जो 7 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसका नाम याद रखना, 7 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम हिज रीजन मेंशन हिम एज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर, तो मैंने बताया कि सेन मतलब सेना, सेना मतलब सिपाही, यानी कि जो मिलिट्री में होते, तो ये काफ़ी ग्रेट मिलिट्री लीडर थे एंड पैट्रन थे ऑफ लर्निंग, यानी पढ़ने में इनका, लर्न करने में काफ़ी इंटरेस्ट था, और इसको बढ़ावा भी देते थे ये, तो ये कहाँ पे मेंशन है, 7 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, ये फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पर इसको नाम आया, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो इंस्क्रिप्शन है मेंशन करता है हिज विक्ट्री ओवर द किंग्स ऑफ, मतलब इनके बारे में कि इन्होंने किस किस किंग पे विक्ट्री ली है, किस किस किंग को इन्होंने हराया है, तो वो सब भी कहाँ मेंशन है, वो भी 7 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हम बात करें कि कौन कौन से किस किस को हराया इन्होंने, कामरूप को, गौर को, कलिंग और काशी, इनको इन्होंने हराया, इन पर विक्ट्री इनको मिली थी। टू कमेमोरेट हिज अचीवमेंट ही बिल्ट पिलर्स, मतलब अपनी अचीवमेंट्स इन्होंने दिखाने के लिए क्या किया, इन्होंने पिलर्स बनाए कहाँ कहाँ पे, अलाहाबाद में, बनारस में और पूरी में, तो इन 3 जगहों पे लक्ष्मण सेन ने जो है पिलर्स बनवाए थे, तो इनका नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, तो अपनी अचीवमेंट्स जो इन्होंने इतनी जगहों पे ली थी, इन चार जगहों पे जो इनको विक्ट्री मिली थी, वो बताने के लिए लोगों को इन्होंने पिलर्स बनवाए थे अलाहाबाद, बनारस और पुरी में। ही वॉज बंगाल्स फर्स्ट रूलर, ये बंगाल के पहले रूलर थे जिन्होंने अपना जो एरिया है, पावर है, एक्सपेंड किया था बियॉन्ड बनारस। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है सिंध डायनेस्टी का। गयाज रूलर इज़ मैंशनड इन सम इंस्क्रिप्शन, ही वॉज गिवन द टाइटल, मतलब जो लक्ष्मण सेन हैं इनको टाइटल दिए गए थे अरिराज मदन और संकरा, अरिराज मदन संकरा एज वेल एज गुरुवेश्वर। ठीक है, और दूसरा है परम वैष्णव। तो परम वैष्णव, वैष्णव और गुरुवेश्वर और अरिराज मदन शंकरा, ये जो तीन टाइटल्स हैं ये इनको दिए गए थे, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इन कॉन्ट्रास्ट टू बलाल सेन और विजय सेन, ठीक है, हु वर शहवाज, तो ये बता रहे हैं कि जो बलाल सेन थे और विजय सेन थे, ये मतलब शैविज्म में बिलीव करते थे। द टाइटल परम वैष्णव इंडिकेट्स दैट, मतलब जो परम वैष्णव एक टाइटल है, ये इंडिकेट करता था दैट ही वॉज अ डिवोटी ऑफ वैष्णव, और हिज ऑफिशियल प्रोक्लेमनेशन बिगेन विद अ प्रेयर टू नारायण, तो नारायण जी की पूजा करते थे बलाल सेन और विजय सेन, तो इनको शैव माना जाता था कि शैविज्म में बिलीव है, जो कि वैष्णव के डिवोटी थे। पोइट सच एज जयदेव, जो कि एक पोइट थे जिनका नाम था जयदेव, अब तक हमने एक और पोइट के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था श्रीहर्ष, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जयदेव के बारे में, द फेमस वैष्णव पोइट ऑफ बंगाल एंड ऑथर ऑफ गीता गोविंदम। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गीता गोविंदम के जो ऑथर हैं वो कौन है, वो जयदेव हैं, ये वैष्णव पोइट थे कहाँ के, बंगाल के, और क्या लिखा है इन्होंने, उमापति धर, ठीक है, धोई एंड अदर ग्रेस्ड हिज कोर्ट्स, ही वॉज अ लर्न्ड मैन हु फिनिश्ड द वर्क ऑफ अद्भुत सागर दैट हिज फादर बलाल सेन हैड बिगन। ये अभी ये चीज़ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किसके बारे में, लक्ष्मण सेन के बारे में, कि जो लक्ष्मण सेन के टाइम पे, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जयदेव पोइट थे और इन्होंने क्या क्या लिखा था, गीता गोविंदम ये सब लिखा था, लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि ये ही वॉज अ लर्न्ड मैन, जो लक्ष्मण सेन थे वो बलाल सेन के पुत्र थे, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से आती थी, तो इन्होंने क्या किया था, अपने फादर का जो वर्क था अद्भुत सागर का, वो इन्होंने कम्प्लीट किया था, किसने, लक्ष्मण सेन ने, बलाल सेन का जो अद्भुत सागर था उसको कम्प्लीट किया था। और हाउ एवर ड्यूरिंग हिज फाइनल ईयर्स, लक्ष्मण सेन का जब लास्ट साल चल रहा था, तो द सेन डायनेस्टी वीक, उस टाइम पे ये वीक हो गई थी एंड बिगन टू डिसइंटीग्रेट, मतलब ये बिखर रही थी, तो काफ़ी छोटे छोटे एरिया में ये टूट चुकी थी। तो लक्ष्मण सेन जो है कहीं ना कहीं माने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर भी रहे हैं और लास्ट रूलर भी हैं, ठीक है, सेन डायनेस्टी के। इनके रिलीजन की बात करें कि क्या रिलीजन था इनका, द सेन रूल इन बंगाल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द एमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म इन हिंदू बुद्धिस्ट सोसाइटी दैट हैड लॉन्ग एंजॉयड पीसफुल। आपको पता है कि सेन डायनेस्टी के साथ साथ पाल डायनेस्टी थी, चालुक्य थे, जो कि बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन जो सेन डायनेस्टी थी वो प्रॉपर हिंदुइज्म में बिलीव करती थी, और जो कि बहुत ही पीसफुल चल रहा था सब कुछ दो रिलीजन का साथ में, रिजल्टिंग इन एन एटमोसफेयर ऑफ एमलगमेशन ऑफ द टू, यानी कि उस टाइम पे साथ में दो रिलीजन चल रहे थे, हिंदू और बुद्धिस्ट, ठीक है। The onslaught on Buddhism, Buddhist in Bengal is thought to have begun during this time period, resulting in large scale Buddhist migration to, क्या हुआ मतलब कि जब सेन डायनेस्टी का एंड चल रहा था, तो उस टाइम पे जब बुद्धिस्ट माइग्रेशन हो रहा था नेबरिंग कंट्रीज में, तो कब शुरू हुआ था, सेन डायनेस्टी के एंड में, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसने लिखा है टू हैव बिगन ड्यूरिंग दिस टाइम रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल पे, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट माइग्रेशन हुए थे कहाँ पे, नेबरिंग कंट्रीज़ में, किसके टाइम पीरियड पे, तो सेन डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, क्योंकि वो हिंदुइज्म में बिलीव करते थे, और कहीं ना कहीं यहाँ से हमें पता चलता है कि ये रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थे, ठीक है, नो रिलीजियस टॉलरेंस, ये ध्यान रखना है आपको। आफ्टर सेन रीजन बुद्धिज्म डिक्लाइंड इन इंडिया, क्योंकि ये इनकी टाइम पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सोसाइटी में दो रूलिंग उस टाइम पे चल रही थी, दो रिलीजन चल रहे थे, तो इसलिए हमें दिख रहा है कि साफ साफ कि बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो किया होगा, इग्नोर और नहीं पसंद किया होगा, टॉलरेट नहीं किया होगा अगला रिलीजन इन्होंने, जैसे बाकी के जो रूलर्स रहे थे उन्होंने बहुत टॉलरेंस दिखाई थी, तीन तीन हमने देखा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म सब साथ साथ चल रहे थे, तो यहाँ ऐसा नहीं था, इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया नहीं, और इसीलिए क्या हुआ था, बहुत ही लार्ज स्केल पे बुद्धिस्ट माइग्रेशन थी, वो आसपास की जो बाकी देश थे वहाँ पर माइग्रेट हो रही थी। बख्तियार खिलजी पिलेज्ड
मैनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, मतलब कहने का क्या है, हम सब ने पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी ने पाल डायनेस्टी के टाइम पे भी हमने देखा था, जब लास्ट में हमने वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं, कि बख्तियार खिलजी ने बहुत सारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, उदंतपुरी जो थी यहाँ पे, इन सबको किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो बख्तियार खिलजी का ही नाम आ रहा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें सेन डायनेस्टी की, तो पाल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेंटेन्ड बाय सेन, क्योंकि इन्हीं से निकले हुए थे सेन जो है, तो जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा था वही इन्होंने भी मेंटेन किया। इवन अंडर द सेन भक्तीज, वैश्यास, मंडल्स एंड सो ऑन रिमेंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। तो इन्होंने मतलब डिवीजन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किया, भक्तीज बनाए, वैश्यास, मंडल्स, अलग अलग सबकी पोजिशंस और अपॉइंटमेंट्स किए। पटाकाज एंड चतुराकाज आर द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों नाम जो हैं ये स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं, डिवीजन जो हुए थे, दैट अपियर फ्रिक्वेंटली इन सेंस इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेचर अमंग द रॉयल ऑफिसर्स, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, द नेम भुक्तिपति, मंडलपति और विश्यपति, मतलब ये मैंने बताया ना, ये सारे किसी न किसी की पोजिशन या अपॉइंटमेंट के नाम हैं ऑफिसर्स वगैरह के, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, ये सेन डायनेस्टी से रिलेशन है। आजकल क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन इनसे ज़्यादा आते हैं, ना कि रूलर्स के बारे में कुछ पूछेंगे आपसे। द पाल प्राइम मिनिस्टर, यानी पालास के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वॉज नाउ रेफर्ड टू एज महामंत्री। तो महामंत्री किसको बोलते थे, जो पाल एम्पायर के, पाल डायनेस्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इस टाइम पे क्या बोले जाने लगा, सेन डायनेस्टी के टाइम पे महामंत्री। एंड द सेन किंग, जो सेन डायनेस्टी के जो किंग्स हुआ करते थे, यूज्ड टू कॉल देम सेल्फ। तो आपको यहाँ से दो डायनेस्टी का पता चल रहा है कि पाल डायनेस्टी में प्राइम मिनिस्टर को महामंत्री कहा जाता था, और सेन डायनेस्टी में प्राइम मिनिस्टर को अश्वपति, नरपति और राजपर अधिपति कहा गया है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अंडर द सेन डायनेस्टी द संधि विग्रहिका ऑफ द पालाज वॉज रीनेम्ड, मतलब कि बता रहे हैं कि पाल डायनेस्टी में जिसको संधि विग्रहिका कहा जाता था उसको सेन डायनेस्टी में क्या कहा गया, महासंधि विग्रहिका। तो संधि विग्रहिका के आगे इन्होंने महा लगा दिया, किसने, सेन रूलर्स ने। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो सेन किंग थे अपॉइंटेड महामुद्राधिकता एंड महासर्वद, मतलब आप पढ़ लेना, ये न्यू ऑफिसर्स इन्होंने अपॉइंट किए थे, किसने, सेन डायनेस्टी ने। तो जहाँ पे इन्होंने थोड़ा पाल डायनेस्टी से अलग किया, तो वहीं ये क्वेश्चन वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, महासर्वाधिकृता, और ये है महामुद्राधिकृता, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मतलब मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा की बात की जा रही है कि महामुद्रा है, और यहाँ पे महासर्वाधिकृता की बात कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी बड़े नाम होते हैं। तो ये दो जो न्यू ऑफिसर्स थे ये किसने अपॉइंट किए थे, सेन डायनेस्टी ने, ये पाल डायनेस्टी के टाइम पे नहीं थे। सिमिलरली द हाइएस्ट जज वॉज नोन एज, बहुत लंबे लंबे नाम है, महाधर्माध यक्ष, मतलब महाधर्माध यक्ष नाम ये जो दिया इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर का, ये हाईएस्ट जज का नाम था, तो ये तो मैं इसको हाईलाइट ही कर देती हूँ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सेन डायनेस्टी से, जो कि एक हाईएस्ट जज को ये नाम दिया गया था। मिलिट्री ऑफिसर्स वर आल्सो गिवन न्यू नेम्स अंडर द सेन डायनेस्टी, थे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सेम एज इट इज़ पाल डायनेस्टी की तरह, लेकिन जो पाल डायनेस्टी ने नाम रखे हुए थे प्राइम मिनिस्टर का वो इन्होंने चेंज किया, जो हाईएस्ट जज के नाम थे वो इन्होंने चेंज किए, जो ऑफिसर्स के जो नाम थे वो इन्होंने चेंज किए थे सेन डायनेस्टी ने, ताकि इनकी खुद की एक पहचान बन सके। इनके आर्ट और कल्चर की हम बात करेंगे, आर्किटेक्चर की, तो दी आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द सेन डायनेस्टी इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पाल डायनेस्टी, मतलब जो पाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया, यानी कि आर्किटेक्चर भी सेम किया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने सेम रन किया। देयर इज़ नो डिसरनेबल चेंज इन आर्किटेक्चर फॉर्म, कोई खास चेंज इन्होंने नहीं किया। द सेन डायनेस्टी इज़ वेल नोन फॉर इरेक्टिंग हिंदू टेम्पल्स, इन्होंने हिंदू टेम्पल्स काफ़ी बनवाए होंगे, मोनास्ट्रीज, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, सच एज द रिनोन्ड धकेश्वरी टेम्पल, मतलब धकेश्वरी टेम्पल को इन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाया, मतलब रिनोवेट करवाया, इन वट इज़ नाउ ढाका बांग्लादेश में है जो कि अब, ठीक है। इन कश्मीर द डायनेस्टी इज़ ऑल्सो थॉट टू हैव बिल्ट द शंकर गुरुवेश्वर टेम्पल, तो कश्मीर में भी ये चाहते थे कि ये शंकर गुरुवेश्वर टेम्पल को बनाए वहाँ पर, तो शायद नहीं बन पाया था ये। अब इनका लिटरेरी वर्क्स देखेंगे हम, जो रिटर्न सोर्स हैं इनके वो क्या क्या हैं, तो जो पंचरत्न है वर पेट्रोनाइज्ड बाय लक्ष्मण सेन, यानी लक्ष्मण सेन के कोर्ट में। अब आप मुझे बताना कि नवरत्न किसके कोर्ट में थे,
ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। नवरत्न जो है ये किसके कोर्ट में थे ये आप बताएंगे, और अभी लक्ष्मण सेन के कोर्ट में कौन थे, पंचरत्न। तो पांच ये कौन से हैं, गोवर्धन, जयदेव, सराना, उमापति और धोई। ये पांचों के नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ देंगे कि इनमें से कौन से पंचरत्न का हिस्सा है, और आपको हो सकता है नवरत्न के नाम और पंचरत्न के नाम मिक्स करके आपसे पूछ लिए जाएंगे कि अब आपको बताना है कि इसमें से पंचरत्न कौन से हैं जो कि लक्ष्मण सेन के कोर्ट में थे, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये लास्ट स्लाइड है, जयदेव इज द, एक सेकेंड, जयदेव इज द ऑथर ऑफ द रोमांटिक डिवोशनल सॉन्ग अननोन एज गीता गोविंदम। तो मैंने ये बताया था आपको कि जयदेव ने लिखी है गीता गोविंदम, वॉज इज मोस्ट फेमस बुक, जो कि रोमांटिक डिवोशनल सॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। द राधा कृष्ण कल्ट वॉज फाउंडेड बाय, जो राधा कृष्ण का जो कल्ट था वो किसने फाउंड किया था, जयदेव ने। पवन दूतम वॉज रिटन बाय धोई, तो धोई ने लिखा था पवन दूतम, जयदेव ने राधा कृष्ण कल्ट को फाउंड किया था, और गीता गोविंदम लिखी थी इन्होंने। तो ये दोनों कौन हैं, जयदेव भी इनके कोर्ट में थे और धोई भी इनके कोर्ट में थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। बलाल सेन जो है ये एक ऑथर थे अकॉर्डिंग टू सेन एपिग्राफ, तो सेन में जो रिटर्न हमें कुछ एपिग्राफी मिली है उससे पता चलता है कि जो बलाल सेन थे ये ऑथर थे। इन 1168 ही पब्लिश्ड धन सागर, ठीक है, या धना सागर, एंड इन 1169 ही बिगन बट डिडंट कम्प्लीट, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया कम्प्लीट नहीं कर पाए अद्भुत सागर। तो सेन पीरियड ऑल्सो सॉ, तो आपने देखा कि ये सब चीज़ें जो हैं अद्भुत सागर वगैरह ये किसने कम्प्लीट किया था, लक्ष्मण सेन ने कम्प्लीट किया था। स्टार्ट तो इसको बलाल सेन ने किया था जो कि लक्ष्मण सेन के फादर थे, लेकिन इनको कम्प्लीट किया था लक्ष्मण सेन ने। सेन पीरियड सॉ द राइज ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो संस्कृत लिटरेचर का भी राइज कहाँ से हुआ था, सेन पीरियड में। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ था। पहली चीज़ आती है कि जो बख्तियार खिलजी थे, वन ऑफ द रीज़न कि इन्होंने जब अटैक किया था नवाद्वीप, इन्होंने नष्ट कर दिया था और इन्वेड किया था बिहार पे और बंगाल पे, एनेक्स कर लिया था देम टू देयर इस्लामिक किंगडम एट द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। तो बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था और बिहार और बंगाल को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक किए थे, बार बार अटैक करते थे ये, और जो नवाद्वीप इन्होंने अपने कैपिटल बनाई थी सेन डायनेस्टी ने, उस पर भी इन्होंने अटैक करके अपने अंडर ले लिया था, तो कहीं ना कहीं ये एक डिक्लाइन का रीज़न था। ही कॉन्क्वर्ड नॉर्थ वेस्ट बंगाल जो है इन्होंने अपने अंदर लिया था, लीविंग ईस्टर्न बंगाल अंडर सेन कंट्रोल, और जो ईस्ट बंगाल था वो सेन के कंट्रोल में रहने दिया किसने, बख्तियार खिलजी ने। हाउएवर बाय द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी द देव डायनेस्टी हैड कम्प्लीटली ओवरथ्रोन द सेन। तो अब सेन के बाद कौन सी आती है, देव डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। अब हम सीधा चलेंगे इस्लाम में, तो इसके बाद हम सीधा मिडिवल हिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से एंटर कर जाएंगे। एंड विद इट द सेन रूल डिक्लाइन कम्प्लीटली, तो सेन रूल को कौन ओवरथ्रोन करता है, तो वो देव डायनेस्टी करती है, किसकी मदद से, तो कहीं ना कहीं अगर बख्तियार खिलजी उनको कमज़ोर नहीं करता तो ऐसा हो भी नहीं पाता। यहाँ तक प्रॉपर वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, सारी वीडियोस डल गई हैं। अब हम इस्लाम स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अरब इन्वेडर्स के बाद हम पढ़ेंगे तुर्किश इन्वेडर, फिर दिल्ली सल्तनत और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत का जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिक्लाइन कैसे हुआ, रीजनल किंगडम्स का क्या थे, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सारी की सारी। इसके बाद फिर हमें विजयनगर एम्पायर भी करना है, बामनी किंगडम भी करना है, भक्ति मूवमेंट भी करना है, तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स जो हुए थे वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद जो फिर हम मुगल्स भी करेंगे, मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर के बाद हमें पता है फिर मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो मॉडर्न इंडिया भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, पहले लाइन वाइज हम पढ़ेंगे। रिवॉल्ट में अलग बनाऊंगी रिवॉल्ट्स पे वीडियो, ट्राइबल रिवॉल्ट्स की वीडियोस अलग बनेंगी, और गवर्नर जनरल जितने भी रहे हैं, वॉइसराय वगैरह, इनकी पहले सेपरेट वीडियोज़ बनाऊंगी। जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं इनकी वीडियो सेपरेट बनेगी। इस तरीके से आपको जो है मॉडर्न इंडिया भी प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और मिडेवल में हम सबको पता है कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, और अगर ज़्यादा नहीं, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में बख्तियार खिलजी से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, क्योंकि पहला इन्वेजन हुआ था बाहर से, और तुर्किश इन्वेडर्स भी आते हैं, और ऐबक से भी आते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए और इल्तुतमिश वगैरह, इन सब से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। स्पेशली ये टाइटल ये अपने आप को देते हैं, इनको जो टाइटल्स मिलते हैं, इनके भी टाइम पे जो इनके कोर्ट में पॉइंट्स होते हैं, कवि होते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मिडिवल इंडिया के लिए। तो जो अभी हमने सेन डायनेस्टी प्रॉपर कंप्लीट कर ली है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है सेन डायनेस्टी पढ़ने के लिए। स्टोरी भी मैंने बता दी और लाइन वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस भी बता दिए मैंने, और एक एक रूलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कंप्लीटली। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इस्लाम से। थैंक यू।